ब्रह्मांड का एक नियम है कि जो चीज हम बांटेंगे वही चीज हमें कई गुना ज्यादा मिलेगी। बस आपको करना यह है कि इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को समझना है, इसके नियमों को समझना है। अगर आप भी चाहते हैं कि लॉ ऑफ यूनिवर्स को आप अपने लाइफ में अच्छे तरीके से उपयोग करें, तो इसके लिए आपको ये तीन पॉइंट्स को ठीक से समझना होगा, अच्छे तरीके से समझना होगा। पॉइंट नंबर वन है एक्ट ऑन योर आइडियाज। पॉइंट नंबर टू ओवरकम योर फियर। पॉइंट नंबर थ्री लॉ ऑफ यूनिवर्स। अगर हम बॉब प्रोक्टर के अनुसार देखें तो इस दुनिया में हम सभी लोगों के पास कोई ना कोई फ्यूचर होती है, सबके पास कुछ गोल होते हैं, सबके पास अलग अलग तरीके के आइडिया होते हैं, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग ना अपने आइडिया पर काम कर पाते हैं और ना ही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि कोई भी काम को शुरू करने से पहले उस काम के प्रति हमारे भीतर नेगेटिव थॉट का आना, ये समझने वाली बात है कि नेगेटिव थॉट आपके भीतर किस रूप में आती है। नेगेटिव थॉट आने का कई कारण हो सकते हैं। सपोज आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पहले से ही पैसों की कमी महसूस होती है। आप चाहते तो हो कि आप बिजनेस करें लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, ये आपका नेगेटिव थॉट्स है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप ये सोचते होंगे कि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमें कई इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी लेकिन हमारे पास नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूं। तो आपके मन में जो ये इक्विपमेंट्स वाली बात आई, ये आपका नेगेटिव थॉट्स है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हम में से लगभग सभी लोग अपने लाइफ में ओनली नेगेटिव चीजों को ही फोकस करते हैं, हम पॉजिटिव चीजों को ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है तो हम एक्ट क्या करें। एक बात याद रखना, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, चाहे जैसे भी सिचुएशन में हो, आप वहीं से स्टार्ट कीजिए, एक छोटी सी स्टेप से काम करना शुरू कीजिए। जब आप छोटे स्टेप से शुरू करोगे तो आपको कम पैसे की जरूरत पड़ेगी, कम इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस बीच सबसे पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आपने काम को शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे आप अपने उस काम को नेक्स्ट स्टेप तक ले जाए। एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी काम करने से पहले बड़ा स्टेप ना ले, पहले एक छोटा स्टेप से शुरू कीजिए, फिर दूसरी बार एक छोटा स्टेप और ले, फिर धीरे धीरे इन स्टेप्स को कंपाउंडिंग करके आप एक बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। इस दुनिया में जितने भी महान लोगों ने जो भी अचीव किए हैं, उन सभी लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ छोटी चीजों से ही करी है, फिर उन्होंने धीरे धीरे इन स्टेप्स को बढ़ाया, इन स्टेप्स को उन्होंने कंपाउंडिंग किया, उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशंस कर दिखाए। आपको जो काम आज इम्पॉसिबल लग रहा है, हो सकता है वही काम कल आपको पॉसिबल लगे। लेकिन अगर आप उस इम्पॉसिबल काम को आज शुरू नहीं करोगे तो उस काम का पॉसिबिलिटी आपको कैसे पता चलेगा। छोटे स्टेप से इसलिए शुरू करने के लिए कहा जाता है क्योंकि आपके लिए वो काम नया है, और कोई भी नए काम में ज्यादातर लोग उसमें फेल होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उस काम में फेल हुए या आगे बढ़े, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कंसिस्टेंटली उस पर कितना काम किया। अगर आप फेल होते हो तो अपने उस काम को आप दोबारा कर सकते हो, लेकिन जरा सोचो, अगर आपने उस काम को शुरुआत ही नहीं करी, आपने पहले से ही हार मान ली, तो फिर उस काम को आप कभी दोबारा से शुरू नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पहले से ही हार मान ली थी, आपके नेगेटिव थॉट्स ने आपको घेर लिया था। इसलिए एक बात याद रखिए, फेल होने में और हार मानने में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि फेल होने से आपको दोबारा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन हार मान लेने से आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज कुछ भी नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर टू ओवरकम योर फियर। पॉइंट नंबर टू से हम ये समझेंगे कि आखिर फेलियर ही क्यों हमारे नेगेटिव थॉट्स का कारण बनता है। क्योंकि कोई भी काम को शुरू करने से पहले हम लोगों के मन में एक डर सा महसूस होता है कि कहीं हम उस काम में फेल हो गए तो, अगर मैं कोई बिजनेस में पैसे लगाए और कहीं मैं उस बिजनेस में फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये पूरी सोसाइटी क्या कहेगी। इस तरह का डर लगभग सभी लोगों के मन में रहता है,
लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी डर को, इसी फियर को आपने ओवरकम कर लिया तो आप अपने उस काम को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप फेल होते भी हो तो अनुभव आपसे कौन छीन लेगा? आपने तो उस काम में अनुभव पाया, फेल होने का अनुभव पाया। फिर आप ये सोचेंगे कि आप फेल क्यों हुए, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने फेल किया। फिर आप वही डर को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज होती है जो आपको एक लिमिट में बांध कर रखती है। और अगर आपने कोई काम के फेलियर के डर से उस काम को बंद कर दिया तो आप उस लिमिट में बंद हो गए। इसे एक एग्जांपल से समझो। अगर कोई कहता है कि मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊंगा जिससे आप एक जगह में बैठकर दूसरे जगह आराम से बात कर सकते हो, तो जब ये आइडियाज किसी के दिमाग में आया तो उनके अगल बगल भी ये लोग होंगे, उनके अगल बगल ये सोसाइटी होंगी जिन्हें ये विश्वास नहीं था कि ये इम्पॉसिबल चीज कैसे हो सकती है। लेकिन जिनके दिमाग में ये आइडिया आया उसे तो अपने आइडिया पे पूरा विश्वास था। अगर उस समय वो अपने सोसाइटी की बातों पर आ जाता, लोगों की बातों को मान लेता, तो आज वो इस तरह का डिवाइस नहीं बना सकता जिससे हम दूसरे लोगों से आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये एक डर था कि वो फेल होगा, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी ये थी कि उन्होंने कंसिस्टेंटली उस पर काम किया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं फेल भी हो गया तो मुझे और अनुभव होगा, मैं इसे और दूसरे तरीके से काम करूंगा। उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया। ऐसे बहुत सारी इन्वेंशंस है जिसकी क्रिएटिव आइडिया किसी न किसी के दिमाग में आई होगी और उन्होंने इन्वेंट किया। अगर आपके दिमाग में भी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं तो वैसे आदमी की तलाश कीजिए जिसके पास पहले से ही उस फील्ड में नॉलेज है, ना कि वैसे आदमी को खोजे जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। सपोज आप एक बिजनेस करना चाहते हो और अगर आप ऐसे आदमी से एडवाइस लेते हो जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, जो जॉब कर रहा है, तो उससे एडवाइस लेने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बिजनेसमैन के आइडियाज को लेने पड़ेंगे। अब यहां पर बात यह आती है कि आपकी कॉन्टेक्ट कोई बिजनेसमैन से नहीं है तो आप उनके इंटरव्यू तो देख सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी माध्यम है जिसमें लोग अपने भीतर के विचार को प्रस्तुत करते हैं। जो भी लोग जिस फील्ड से जुड़े हैं वे अपने उस फील्ड के बारे में बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं। इसीलिए आपको एक प्रॉपर माइंडसेट से आगे बढ़ना होगा और इस तरीके से आप अपने डर को दूर कर सकते हैं, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उस फील्ड के लोगों को देखिए, उस फील्ड के लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका डर आपसे दूर होता जाएगा। ये दो पॉइंट, एक्ट ऑन योर आइडियाज एंड ओवरकम योर फियर, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स का एक बेस है। अगर आपने ये दो पॉइंट्स को समझ लिया तो आप लॉ ऑफ यूनिवर्स को आराम से समझ जाएंगे और अपने जीवन में अच्छे तरीके से इसका उपयोग भी कर पाएंगे। लॉ ऑफ यूनिवर्स को एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप एक बीज लगाते हो तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि उस बीज को प्रॉपर वाटर चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए, और ये भी एक जरूरी चीज है कि वो बीज अच्छी मिट्टी पर लगा हो। जब आपने उस बीज पर प्रॉपर वाटर दिया, प्रॉपर सनलाइट दिया, प्रॉपर मिट्टी दी, तो एक दिन वो बीज एक पौधा बनेगा, फिर एक पौधा एक पेड़ बनेगा। इस दौरान कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि वो अपना ग्रोथ यूनिवर्स के हिसाब से करेगा। ठीक उसी तरह आपका माइंडसेट है, मतलब आपका माइंड एक मिट्टी की तरह है जिस माइंडसेट में आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखते हो। क्योंकि आपका माइंड एक प्रॉपर मिट्टी की तरह है जहां पर आप बीज बोते हो, और यहां पर बीज आपके वो आइडियाज हैं, आपके वो गोल हैं। अब आपको वो आइडियाज, वो गोल अपने माइंडसेट में रखना है, फिर आपको उस पर प्रॉपर एक्शंस लेने होते हैं। उसके लिए प्रॉपर एनर्जी लगानी होगी, पॉजिटिव थॉट रखने होंगे, और यही सब चीजें हैं सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक प्लांट के लिए अति आवश्यक है। फिर जिस प्रकार एक बीज को प्लांट बनने में समय लगता है, ठीक उसी तरह से आपके माइंड में जो थॉट्स है, जो पॉजिटिव गोल्स है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने में समय लगेगा।
और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। आपको पेशेंस रखने होंगे। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उसके माइंडसेट में आइडियाज आते हैं, वो अपने आइडिया को अपने माइंड में रखते हैं और वो सोचते हैं कि तुरंत इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, तुरंत उसे चेंजेज नजर नहीं आते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि उन्होंने पेशेंस नहीं रखा। इसे ठीक से समझे। मान लीजिए आपने एक बीज लगाया और रोज उस बीज को आप मिट्टी से निकाल निकाल कर देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस आया, क्या फर्क आया। तो क्या वो कभी पौधा या पेड़ बन सकता है? नहीं, बल्कि आप उसे और खराब कर देंगे क्योंकि आपने उस बीज के प्रति पेशेंस नहीं रखा। इसीलिए जब भी कोई गोल्स आप डिसाइड करते हैं, जब भी आपके दिमाग में कोई आइडियाज आता है, तो आपको ये समझना होगा कि लॉ ऑफ यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। आपका काम है सिर्फ अपने उस थॉट को अपने माइंडसेट में रखना, प्रॉपर एक्शंस लेना, आपको उसके प्रति प्रॉपर वाइब्रेशंस देना। ये सिर्फ आपका काम है। और यूनिवर्स का काम ये है आपके उस आइडिया को उस रियलिटी में किस तरह से कन्वर्ट करता है, ये यूनिवर्स का काम है। इसलिए आपको इस चीज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आइडियाज पर एक्ट अच्छे तरीके से करने होंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक्ट ऑन योर आइडियाज। इस चीज की चिंता मत करो कि आपके पास क्या है, जिस चीज पर आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं। और पॉइंट नंबर 2 मैंने ये बताया, ओवरकम योर फियर। मतलब आपको अपने काम के प्रति डर में नहीं रहना है, क्योंकि जब आप डर में रहेंगे तो आपके भीतर नेगेटिव वाइब्रेशंस बनने लगेंगे, आपके थॉट्स नेगेटिव होते चले जाएंगे। और लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार ये बताया जाता है कि आप यूनिवर्स के प्रति नेगेटिव थॉट्स ना भेजे, नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने भीतर ना रखे। आप अपने काम के दौरान पूरी दुनिया क्या करती है उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको अपने लक्ष्य पर देखना है, आपको अपने गोल पर ध्यान देना है। आप यूनिवर्स को ये कभी सो ना करें कि आप डर रहे हैं। और इसके लिए आपको उन पर विश्वास करना होगा, जो भी पावर्स को आप मानते हैं, चाहे उसे गॉड कहे या भगवान। फिर आप देखेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है और कई गुना तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।